पर्सन एंड पर्सनालिटी हमारे तुषार कोकर सर। वेलकम तुषार सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? यस ओके ठीक है। सो जैसे कि उदयभान जी ने बताया, बहुत तारीफ कर दी और वाकई में इन्होंने जो भी चीज बताई है एक नंबर और एक सही इंफॉर्मेशन आपको बताई है कि ये वो इंडस्ट्रीज है दोस्तों जो आज तक हमने नहीं देखी होगी। वो आने वाले 35 से 40 मिनट मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति अगर यहाँ पर मौजूद रहेगा फिजिकल और मेंटली, तो मैं बेहतरीन तरीके से आपके साथ जो आज इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो वाकई में हमारी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। सबसे पहले मैं आए हुए यहाँ पर सारे गेस्ट का तहे दिल से, मैं तुषार कोकर अहमदाबाद गुजरात से ई बायोड्रम सपोर्ट सिस्टम की मदद से आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है सभी लोगों को कि ई बायोटोरियम सपोर्ट सिस्टम जो है वो वचनबद्ध है अपने टाइम टू टाइम ट्रेनिंग सेशन को शुरू करने के लिए। सो यहाँ पर हम ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आज जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पर हम सब लोग उपस्थित है उसकी हम शुरुआत करते हैं। सो मुझे कंफर्म कीजिए सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस आ रहा है। ओके थैंक यू। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दोस्तों आज की डेट में अगर हम बात करें, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी दोस्तों है वो है हमारी हेल्थ, क्योंकि पिछले जो 2-3 साल देखे हमने, आज पूरा दुनिया ये हेल्थ चैलेंजेस को फेस कर रहा है। सो हम सभी लोगों को पता चला अच्छी तरीके से कि हमें हमारी हेल्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी जरूरी चीज है वो है हमारी वेल्थ। तो ये दोनों ही चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दोस्तों ये दोनों ही चीजों का जब कॉम्बिनेशन होता है हेल्थ और वेल्थ, तभी हमारे फैमिली के अंदर हैप्पीनेस आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने आज जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा उसके माध्यम से हम ये सारी चीजें को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे ये चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं, आइए देखते हैं। हम फिर से एक बार सभी गेस्ट का मैं वेलकम करता हूं और शुरुआत करते हैं दोस्तों हम अपने क्रिएट सनशाइन को क्रिएट करने के लिए। इससे पहले कि हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, हर बार हम ये क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। दोस्तों आज हर कोई व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो काम करने के पीछे मकसद क्या है, कोई भी काम हम क्यों करते हैं। तो आज हमें जीवन मिला है दोस्तों, ये जीवन के अंदर हम क्या कर गुजरना चाहते हैं वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। मतलब कि ये जो हमारी लाइफ की जर्नी है, ये जर्नी के दौरान हम क्या ऐसी चीज अचीव करना चाहते हैं और क्या वो हम अपनी फैमिलीज को देके जाना चाहेंगे, वो दोस्तों सबसे पहले प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ेगी। सो ये क्वेश्चन जो है मेरा हर किसी व्यक्ति के लिए, आज तक अगर हमने अपनी लाइफ का कोई गोल नहीं बनाया, अपनी लाइफ को डिसाइड नहीं किया दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या चाहता है वो सबसे पहले डिफाइन करे। यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा, सभी लोगों के लिए ये लागू होता है और उसका एक कॉमन सा आंसर मैं दोस्तों बताऊं, ये तभी फुलफिल हो पाएगा जब हम फाइनेंशियली फ्रीडम पाएंगे। क्या मैं सही हूं? फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों, आर्थिक आजादी, आज कौन नहीं चाहता दोस्तों आर्थिक तरीके से आजाद होना, और इसके साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दोस्तों ये भी ऐसा ही वर्ड है जो कि हमें समझ में आया ये 2 से 3 साल के अंदर, क्योंकि ये 2 से 3 साल दोस्तों हर एक व्यक्ति कैसे गुजरे जो कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा उसकी लाइफ में ऐसे कोई वक्त आए और ऐसे कोई वक्त से गुजरना पड़े, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। ये सारी चीजें कभी भी हो सकती है दोस्तों, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने काम करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। आज जो हम लाइफस्टाइल जी रहे वो लाइफस्टाइल को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आज आपके सामने मैं अपॉर्चुनिटी जो शेयर कर रहा हूं वहां पर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हमें एक साथ में मिलने वाला है। फाइनेंशियल फ्रीडम दोस्तों ये वो शब्द है, आर्थिक आजादी, जो आज हर कोई व्यक्ति चाहता तो है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या हम अभी जो काम कर रहे हैं उससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दोस्तों आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आने वाले 30 से 35 मिनट दोस्तों आप ध्यान से यहां पर बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं दावे के साथ कहता हूं ये अपॉर्चुनिटी ने लाखों लोगों की लाइफ चेंज की है, जिसमें से हम भी हो सकते हैं, तो यहां पर बने रहिए। हम शुरुआत करते हैं, ये तब पॉसिबल हो पाएगा जब मैंने कि आपको बताया कि काम करने के तरीकों को हम चेंज करेंगे, क्योंकि आज हम कोई भी काम कर रहे हैं वो काम करने के पीछे तरीका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। वो काम करते तो पैसे मिलते दोस्तों, पर ऐसा कहा गया है पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं।
पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। पैसे से दोस्तों हम किसी की जिंदगी नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसा पास ना हो तो मौत जरूर आ जाती। दोस्तों आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो पैसा हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आने के जरिए दो है, एक आता है एक्टिव इनकम के जरिए से और दूसरा होता है पैसिव इनकम। ये दो जरिए जिसके माध्यम से हमारे घर में पैसा आता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं रियलिटी की, तो आज 90% से ज्यादा लोग है जिनके घर में ये एक्टिव इनकम के सोर्स से इनकम आ रही है, और 10% लोग है जिनके घर में ये पैसिव इनकम के सोर्स से इनकम जा रही है। अभी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है, एक महान लेखक है रॉबर्ट कियोसाकी जी, जिन्होंने रिच डेड पुअर डेड किताब लिखी है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है ये इनकम के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक्टिव इनकम क्या है दोस्तों, और ये सेगमेंट में कौन आते हैं। तो एक्टिव इनकम के सेगमेंट में आते हैं दोस्तों ई और एस, ये दो सेगमेंट के लोग हैं। ई माने एम्प्लॉय, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, वहां पर वो लोग जॉब करते हैं तो अपना बकायदा टाइम दे रहे, टाइम टू टाइम वो काम कर रहे, इसके साथ साथ अपनी स्किल दे रहे, अपना एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, सारी चीज दे रहे। और ये सारी चीजें अगर वो वहां पर नहीं दे रहे तो क्या लगता है दोस्तों, हम कल से जॉब जाना बंद कर देंगे, हमारे घर में आमदनी आएगी नहीं आएगी, हम 10 दिन छुट्टी कर देंगे, 11वें दिन जाएंगे तो सैलरी आएगी दोस्तों, 10 दिन की कट के आएगी। मतलब कि हम जितना काम करेंगे हमारी फिजिकल प्रेजेंस होगी तभी हमारे घर में आमदनी आएगी। दूसरा है सेगमेंट दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वो लोग हैं जो कहीं पे जॉब नहीं कर रहे लेकिन अपने ही काम को अपने आप करते हैं। मतलब कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया हुआ, अपना छोटा शॉप लगाया हुआ है और वो शॉप के ऊपर वो खुद काम कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो किसी के अंडर में काम नहीं करते लेकिन वो खुद का काम खुद कर रहे हैं। अगर ये लोग भी अगर खुद काम करना बंद कर देंगे तो उनके घर में भी आमदनी नहीं आएगी। ये दोनों ही सेगमेंट दोस्तों आज अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन पॉपुलेशन की, तकरीबन 90% लोगों के घर में एक्टिव इनकम के जरिए से इनकम आ रही है। पैसिव इनकम क्या है और कौन आते हैं पैसिव इनकम के सेगमेंट में, दोस्तों पैसिव इनकम के अंदर आते हैं बी, बी माने बिजनेस ओनर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने लिए पूरा एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है और हर एक काम को बाइफर्गेट कर दिया है, हर एक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया वो काम करने के लिए। लाइक ये ई एम्प्लॉय सेगमेंट के लोग, ये बी बिजनेस ओनर जो है उनके अंडर में काम कर रहे हैं, और ये बिजनेस ओनर चाहे वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी देंगे, वो वहां बिजनेस के ऊपर नहीं भी जाएंगे, वो काम नहीं भी करेंगे तो भी दोस्तों उनके घर में आमदनी आना तय है, क्योंकि उन्होंने अपने काम के लिए दूसरों लोगों को अपॉइंट किया हुआ है और वो उनके जरिए से काम करता होता है और सिस्टम उनके लिए पैसा दे रही है। तो दोस्तों ये है बिजनेस ओनर। और दूसरा फोर्थ वन इज इन्वेस्टर, ये वो लोग है जिनके लिए उनका पैसा काम कर रहा होता है। मतलब कि इन्होंने अपने पैसों को ऐसी जगह पर लगा हुआ है जो ना खुद काम करते ना दूसरों से काम करवाते हैं लेकिन उनके लिए उनका पैसा काम कर रहा होता है दोस्तों। तो आज ये पैसिव इनकम के सेगमेंट में मैं आपको बताऊं कि 10% लोग हैं जो ये पैसिव इनकम के सोर्स से इनकम ले रहे, और आज दुनिया का 90% पैसा ये 10% वाले लोगों के पास है, और 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा है। उसके पीछे रीजन एक ही है, एक्टिव इनकम के अंदर हम खुद काम करते तब हमारे घर पे आमदनी आती है, पैसिव इनकम के अंदर दोस्तों वो खुद काम नहीं करते उनके लिए लोग काम करते, मतलब कि टीम काम करती है, वो अकेले कुछ भी नहीं है दोस्तों बिना टीम के। मतलब कि एक बात समझ में आती है कि बिना टीम के सपने हासिल नहीं हो सकते, और अकेले जब तक काम करेंगे तब तक हम कभी भी पैसिव इनकम के सोर्स से आमदनी नहीं ले पाएंगे। तो ये मैंने आपको कोशिश करी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है दोनों का डिफरेंस समझाने की। दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स है जो कि हमने देखे कि अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स एज इंडिया सिंस दिस लॉकडाउन। दोस्तों ये जो दौर गुजरा उसमें हमने देखा कि काफी सारे लोग जिन्होंने अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, काफी सारे लोगों को अपने छोटे मोटे जो बिजनेसेस थे वो कहीं ना कहीं शट डाउन हो गए। और वैसे ही अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे इंडिया में दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट की कोई कमी नहीं है, सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, और इसी के चक्कर में आज की डेट में हमें पता है कि एक सरकारी नौकरी की अगर इश्तिहार भी आ जाती है तो वहां पर लाखों लोगों को रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लाखों लोग लाइन में खड़े रह जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। तो आज यहां पर मैं आपको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिसके अंदर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में भी हेल्प कर सकते हैं और लोगों के साथ एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय बदल चुका है। आज का जो समय है दोस्तों वो कंसेप्ट शेयर करने का बिजनेस है, आइडिया शेयर करने का बिजनेस है, और दोस्तों इसी को हम स्मार्ट बिजनेस कहते हैं। आपके जेहन में होगा विच कंसेप्ट,
और क्या ये पॉसिबल है? दोस्तों मैं बताऊं कि ये प्रूवन हो चुका है, कुछ चंद एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हम सभी लोगों को ओला उबेर के बारे में अच्छी तरीके से मालूम होगा कि ये क्या है। दोस्तों ये ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आज एक बड़ा नाम है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज के अंदर, जिनके पास खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास क्या है? एक कंसेप्ट, एक आइडिया है और एक सॉफ्टवेयर है जिसकी बदौलत आज वो ये मुकाम पे है। दोस्तों ऐसा ही एग्जांपल मैं आपको फूड इंडस्ट्रीज का बताऊं, हम सभी लोगों को जोमेटो के बारे में पता होगा, स्विगी के बारे में पता होगा। ये क्या है? एक कंसेप्ट, एक आइडिया है, खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर के बदौलत आज वो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी कौन से मुकाम पे हमें पता है। ऐसे ही एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करते, लेकिन क्या आपको बताया कि उनके पास एक भी प्रोडक्ट नहीं है उनका खुद का, उनका सॉफ्टवेयर और उनका आइडिया दोस्तों आज उनको ये मुकाम पे लेके आया है। आज एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर और एक ऐसा ही मैं आइडिया आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, जिन्होंने लाखों परिवार के ड्रीम्स फुलफिल किए, लाखों परिवार को हेल्प किए उनके फाइनेंशियल गोल्स और उनके हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। आइए समझते हैं अपॉर्चुनिटी क्या है। दोस्तों वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग जितने भी स्पेशली आज मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर हम तकरीबन 128 लोग हैं, और इसमें से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट टाइम ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में जान रहे होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, यही इंफॉर्मेशन को हम अपने नॉलेज में तब्दील करते हैं, और ये नॉलेज को जब हम लोगों तक शेयर करते हैं तो दोस्तों हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो आज तक हमने नहीं अचीव किया है। ये कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज, मेरा सवाल है आपसे जितने भी स्पेशल नए गेस्ट और डायरेक्ट सेलिंग को पहली बार सुन रहे हैं, क्या आप लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में? दोस्तों ये वो इंडस्ट्रीज है जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अंदर बताया गया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच ₹15,930 करोड़ बाय 2021। ये एसोचैम की रिपोर्ट थी जिन्होंने बताया था कि 2021 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज तकरीबन 16,000 करोड़ की इंडस्ट्रीज होने वाली है। और आज आप और मैं दोस्तों 2022 में जी रहे, ऑलरेडी ये फिगर को कंपनी ये इंडस्ट्रीज क्रॉस कर चुकी है। और एक और रिपोर्ट है फिक्की की जिसमें बताया गया था कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीच ₹645 बिलियन बाय 2025। 2025 तक दोस्तों इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज 64,500 करोड़ की फिगर को क्रॉस करने वाली है। दोस्तों आज आप और मैं लकी है कि हम ऐसी एक ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आने वाले 3 साल के बाद एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है। दोस्तों अब ये इंडस्ट्रीज के अंदर होता क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी होती है जो कि एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है, इसको कहा जाता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। आज तक हमारे घर में जो भी प्रोडक्ट आया वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेथड से आता था, मतलब कि हम कोई भी प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर एंड कंपनी से कभी भी प्रोडक्ट परचेस नहीं करते थे, हम हमारे नियर बाय रिटेल स्टोर से वो प्रोडक्ट परचेस करते थे। लेकिन वो प्रोडक्ट रिटेल स्टोर तक कैसे पहुंचता था? तो एक कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती थी, वो प्रोडक्ट को कंपनी सीएनएफ, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, डिस्ट्रिक्ट होलसेलर, रिटेलर, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये सारी चीजें ये सारी चीजें लगती थी, उसके बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट पहुंचती थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ने क्या किया, एक प्रोडक्ट को बनाया और वो प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन से ये प्रोडक्ट चलता है। तो ये वो इंडस्ट्रीज है दोस्तों जो हर किसी व्यक्ति के लिए मौका प्रदान करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता है, और रिस्क नहीं है दोस्तों, यहाँ पर पैसे की भी जरूरत नहीं, यहाँ पर कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं, और बिना पैसे लगाए भी हम हाई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक ही बात मैं बताना चाहूंगा, और डॉक्टर उदयबान जी ने भी आपको बताया कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। दोस्तों आज अगर आपने अपने लिए नेटवर्क बना लिया, आज आपने अपने लिए टीम खड़ी कर ली, आने वाले वक्त में वही आपके लिए आपका नेटवर्क बन सकता है। दोस्तों आज जितने भी हमारे मोबाइल्स में कॉन्टेक्ट है वो सारे हमारे परिचित लोग हैं। अगर वो हमारे परिचित लोगों को हमने ये मौका नहीं दिया, ये इंफॉर्मेशन हमने उन लोगों तक शेयर नहीं की और हमने टीम नहीं बनाई दोस्तों,
तो वो लोगों को और भी कोई व्यक्ति बताने वाले हैं और वो उनको अपने नेटवर्क में शामिल करने वाले हैं। तो हो सकता है कि आप अगर उन लोगों को आपके नेटवर्क में आपकी टीम में जोड़ते हो तो वो आने वाले वक्त में आपके लिए आपका नेटवर्क बन सकते हैं। और दोस्तों ये मौका प्रदान करती है हमें ई बायोटोरियम कंपनी। ई बायोटोरियम की अगर मैं बात करूं तो ई बायोटोरियम एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी है जो कि पिछले 13 सालों से ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और ये प्रोडक्ट को आज तक कंपनी ट्रेडिशनल मेथड से लोगों तक पहुंचा रही थी। दोस्तों ये कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है ये एडवांस मॉडर्न बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाती है। और दोस्तों ये प्रोडक्ट को कंपनी इसके साथ साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रही थी। कंपनी की जो मेन ताकत है वो है कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग और वो भी अपनी खुद की जगह पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रही है। दोस्तों कंपनी का मुंबई के अंदर मीरा रोड में 1,00,000 स्क्वायर फीट का दोस्तों कंपनी का 5 माले का बिल्डिंग है, हो सके तो आप विजिट भी कर सकते हो उसको, राइट। और कंपनी का खुद इन्वेंट किया हुआ दोस्तों, इट्स सेल्फ इन्वेंटर, कंपनी ने ये प्रोडक्ट को खुद इन्वेंट किया हुआ है और खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रही है दोस्तों। इसके साथ साथ कंपनी सारे नीति नियमों को अच्छी तरीके से फॉलो कर रही है। दोस्तों कंपनी का मिशन है हर किसी व्यक्ति को हेल्थ और वेल्थ दोनों ही जरिए से सपोर्ट किया जाए। हर एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहता है उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर पाए और एक ऐसी हेल्थ इनरिचिंग प्रोडक्ट्स के मार्फत से आज वो खुद और अपने परिवार को भी हेल्दी रख पाए। विजन कंपनी का है दोस्तों, कंपनी ने जो प्रोडक्ट इन्वेंट किया है ये बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ अपनी एक अलग पहचान बन के उभरना चाहती है और इसके साथ साथ कंपनी ये इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों एक लीडर बन के उभरना चाहती है। कंपनी के प्रमोटर की अगर मैं बात करूं डॉक्टर श्री सागर जोशी जी, जबरदस्त पर्सनालिटी, आज हम लोग लकी है कि हमें एक ऐसी शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिनके पास ये इंडस्ट्रीज का 14 साल का तजुर्बा है। ये प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो बायोमैग्नेट्स के प्रोडक्ट बना रहे सर, उनके साथ साथ आउटस्टैंडिंग सेल्स मार्केटिंग एंड ऑपरेशन प्रोफेशनल, कैसे सेल्स डिवीजन को मार्केटिंग डिवीजन को ऑपरेट किया जाए उसके बारे में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर के पास नॉलेज है। और इसके साथ साथ नियोडिमियम मैग्नेट्स कैसे ह्यूमन बॉडी के ऊपर इंपैक्ट करता है और कैसे ये मैग्नेट के जरिए हम हेल्दी रह सकते हैं उनके बारे में भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग नॉलेज है सर के पास। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिनके पास नियोडिमियम मैग्नेट्स के बारे में इतना डीप नॉलेज होगा। तो हम लोग लकी है कि हमें एक ऐसी शख्सियत के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और दोस्तों आज इसी के बदौलत आज डॉक्टर सागर जोशी सर को आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी काफी सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसके साथ साथ सर को एज ए डॉक्टरेट भी सम्मानित किया गया है। आज हम सबकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, जैसे कि मैंने बताया था कि हम सभी लोग चाहते हेल्दी रहना, और हेल्दी रहने के लिए हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हेल्दी रहने के लिए हम सभी लोगों को पता है कि डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ ऑल न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमारी बॉडी की रिक्वायर्ड है वो सारे फुलफिल होने चाहिए। इसके साथ आज हम जो कुछ भी खा लेते हैं जंक फूड से हमारी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अनहेल्दी फूड उसे भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और इंक्रीज अवर फिजिकल एक्टिविटी, आज हमारी जो दिनचर्या है फिजिकल एक्टिविटी उसे भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है दोस्तों हमारी ये बिजी लाइफस्टाइल के अंदर ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे? दोस्तों चाहते हुए भी हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को फॉलो नहीं कर पा रहे, लेकिन चाहते सभी लोग हेल्दी रहना और हेल्दी रहने के लिए ये सारे पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे वो भी हमें पता है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है? दोस्तों आज वो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, और सॉल्यूशन इजी सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन है दोस्तों कि सिर्फ सोना है और पानी पीना है। सोने से और पानी पीने से भी दोस्तों हेल्दी रहा जा सकता है और ये प्रूवन हो चुका है दोस्तों, ये दो काम करके भी हम हेल्दी रह सकते हैं। आपके जहन में सवाल होगा तुषार जी ये आप क्या बता रहे हो, ये काम हम बरसों से कर रहे हैं। दोस्तों वाकई में आप सही सोच रहे हो, लेकिन कहते हैं ना सफल व्यक्ति कोई नया काम नहीं करता लेकिन वो काम को नए तरीके से अंजाम देता है, कुछ उसी तरीके से हम ये काम को बरसों से कर रहे हैं लेकिन यही काम को अगर अलग तरीके से करना शुरू कर देंगे जिस तरीके से लोगों ने किया है उसी तरीके से अगर हम भी करेंगे हम लोग भी हेल्दी रह पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग उपस्थित है जिन्होंने ये प्रोडक्ट का अनुभव किया है और ये दो काम करके वो काफी हद तक अपनी लाइफ को हेल्दी भी बना चुके हैं और ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम से वो लोग कहीं ना कहीं फेस कर रहे थे, आज उनको भी वो प्रॉब्लम से छुटकारा मिल रहा है और अभी हेल्दी लाइफस्टाइल को सर्वाइव कर रहे हैं। तो
आज हम बात करें कि हमारा बॉडी जो है दोस्तों पंच तत्व से बना हुआ, हवा, पानी, खुराक, सनलाइट और पृथ्वी, ये पांच तत्व जो है जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये पांच तत्व अगर हमारी बॉडी में बैलेंस रहते हैं तो हमारा बॉडी हेल्दी रहता है। अगर ये पांचों में से एक भी तत्व इम्बैलेंस रहेगा तो दोस्तों आज हमको पता है कि हमारी बॉडी भी इम्बैलेंस रहेगी और हम काफी सारी बीमारियों से गिर जाएंगे। आज हम अगर बात करें, हम सभी लोगों को पता है कि हवा का कितना इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के अंदर। पानी जो कि 70-72% हिस्सा हमारा बॉडी का पानी का है, तो वो भी आज की डेट में हमें कैसा मिल रहा है हमें पता है। खाना भी आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं वो खाना भी हमें कैसा मिल रहा है वो भी हमें पता है। सनलाइट जो हमें प्रॉपर सनलाइट मिल रही है जिसके जो फार इंफ्रारेड रेज हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है, लेकिन आज वो भी हम कितनी मात्रा में ले पा रहे हैं वो भी हम अच्छी तरीके से पता है। लेकिन आज शायद फिफ्थ एलिमेंट जो जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा शायद उसके बारे में हम इतना नहीं जानते होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा फिफ्थ एलिमेंट, हमारी पृथ्वी जो हमारा अर्थ है, जिसके अंदर से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक एनर्जी जो रिलीज होती है, कैसे वो मैग्नेटिक एनर्जी से भी हम हेल्दी रह सकते हैं, आज इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा बॉडी जो है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मैग्नेटिक एनर्जी की, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा ब्लड सेल से बना हुआ है। और आज हम सभी लोगों को पता है कि हमारा बॉडी अरबों खरबों सेल से बना हुआ है, लेकिन दोस्तों हमारा ब्लड सेल्स का खुराक क्या है, हमारे बॉडी के जो सेल्स है कोष उसका खुराक क्या है? दोस्तों उसका खुराक है ऑक्सीजन। और सेल क्या करते हैं दोस्तों, हमारा बॉडी के अंदर कहा गया है कि यदि हमारे सेल्स हेल्दी रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और अगर हमारे सेल्स अनहेल्दी रहेंगे तो हमारी बॉडी अनहेल्दी रहेगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम हमारी बॉडी की बाहरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन हमारा बॉडी जो इनर कोज, जो हमारा रूट कॉज है, वो ही आज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और वो डिस्टर्ब इसलिए है क्योंकि हमें मैग्नेटिक फोर्स जितना मिलना चाहिए हमारी बॉडी को वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारी अर्थ खुद एक यूज मैग्नेट है। और हमारी अर्थ के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है जिसके कारण हमारा बॉडी चलता है, क्योंकि हमारा बॉडी ऑपरेट किससे होता है, हमारे हार्ट से। और हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए जरूरत है पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर की, जो कि आज हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रही। क्यों नहीं मिल पा रही? ड्यू टू अवर लाइफस्टाइल। क्योंकि आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो 50 साल पहले दोस्तों हमने देखा होगा कि हमारे परिवार के अंदर, हमारे फैमिली के अंदर जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, वो लोग बिना कोई बीमारी के वो लोग जीते थे, उनका आयुष भी लंबा था और वो लोग हेल्दी रहते थे। उसके पीछे रीजन था उनकी लाइफस्टाइल, क्योंकि वो लोग नेचर के साथ जुड़े हुए थे और नेचुरल लाइफस्टाइल उनके पास थी। आज की डेट में हम लोग एंटी नेचुरल लाइफस्टाइल के आदि हो गए और दिन ब दिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते जा रहे हैं और एडवांस मॉडर्न लाइफस्टाइल को हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन है हमारी लाइफस्टाइल। देखते हैं दोस्तों कि 50 साल पहले जो नजरिया था वो क्या था। 50 साल पहले दोस्तों बिना पॉल्यूशन की हवा मिल रही थी, लेकिन आज की डेट में हम देखें तो पॉल्यूटेड एयर मिल रही है हमें। इसके साथ साथ नो बिल्डिंग्स, पहले दोस्तों इतनी बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी जो आज हम हमारे आसपास में देख रहे हैं। उस टाइम पे वो बिल्डिंग्स की जगह पर पेड़ पौधे हुआ करते थे, जंगल्स हुआ करते थे, लेकिन आज वही जगह पर हमने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई है। इसके साथ साथ नेचुरल होम दोस्तों, हम पहले जो हमारे दादाजी, हमारे परदादाजी, हमारी दादी, ये सारे लोग जो रहते थे उनके घर कुछ इस तरीके से थे, मिट्टी से बने हुए घर थे, डोम से बने हुए घर थे, लकड़ी से बने हुए घर थे। लेकिन आज वही मिट्टी से बने हुए घर सीमेंट कंक्रीट के बन चुके, वही लकड़ी से बने हुए घर दोस्तों लोहे के हो चुके हैं। मतलब कि आज हम जो घर में रह रहे उसके 2-3 फीट के, हमारे 2-3 फीट के दायरे में चारों ओर लोहा है, चारों ओर सीमेंट कंक्रीट की वॉल है। और इसके साथ साथ दोस्तों आज अगर हम बात करें, हम एडवांस ये टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आज मोबाइल फोन, ये सारी चीजें दोस्तों जिसके जो रेडिएशन काफी हद तक हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। और इसके साथ साथ फ्रेश फार्म, हमारे किसान भाई जो अनाज भी उगा रहे थे, अनाज भी पैदा कर रहे थे, वो भी नेचुरल तरीके से उगाया जा रहा था। मतलब कि आज जो हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं अनाज को उगाने के लिए, राइट, और उसके मार्फत से हमारी बॉडी में काफी हद तक जहर भी जा रहा है। तो इसके पीछे रीजन एक ही है, हमने नेचुरल लाइफस्टाइल को छोड़ दिया और आज एंटी नेचुरल लाइफस्टाइल के आदि हो गए। तो दोस्तों प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ने वाली है, ना कि कम होने वाली है। और ये सारी प्रॉब्लम्स जो बढ़ने वाली है, वो प्रॉब्लम्स के साथ हम कैसे अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं,
उसके लिए आज जो मैं प्रोडक्ट आपको बताने जा रहा हूं वो प्रोडक्ट काफी हद तक हमें हेल्प करेगा, जो कि हमारा फिफ्थ एलिमेंट पृथ्वी, जो कि हमारी खुद एक यूज मैग्नेट है, क्योंकि पृथ्वी आप गूगल पे जाओगे, गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी पृथ्वी खुद एक जायंट मैग्नेट है जिसके अंदर से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। और वो मैग्नेट क्या करता है, तो आज हमारी बॉडी पूरी ब्लड सेल से बने हुए है और हमारे ब्लड के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर दोस्तों आयरन कंपोनेंट होता है, आयरन माने लोहा। अब हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सेल्स का खुराक ऑक्सीजन है दोस्तों, और ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए मार्केट में कोई दवाई नहीं मिलती। आज हम सभी लोगों ने देखा कि ये पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर लोगों को कितनी दिक्कतें आई ऑक्सीजन को लेकर के, और हमारे मेडिकल साइंस के पास भी ऑप्शंस क्या था, कोई भी व्यक्ति अस्पताल जाता था उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता था, राइट। ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों के घर पे लगाए जाते थे जिसके मार्फत से उनके बॉडी को ऑक्सीजन दिया जाता था, लेकिन ये प्रोडक्ट ने भी लोगों को इतनी हेल्प की क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन दो तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक योगा एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो जिससे कि आपकी बॉडी का आप ऑक्सीजन स्तर बढ़ा सकते हो, और दूसरा है मैग्नेट थेरापी। चुंबकीय चिकित्सा, दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा के मार्फत से हमारी बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं, और इसके अंदर ये प्रोडक्ट हमें काफी हेल्प करती है क्योंकि आज नेचुरल लाइफस्टाइल हमारी रही नहीं है, हम मिट्टी के कनेक्शन में नहीं है, हम नेचर के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो क्या हो रहा है, पृथ्वी का जो नेचुरल मैग्नेटिक पावर हमें मिलना चाहिए वो आज की डेट में हमें नहीं मिल पा रहा है, और वो इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमने हमारे सराउंड में, हमारे आसपास में आयरन बेस्ड एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया है, हमने रेडिएशंस का एनवायरनमेंट खड़ा कर दिया है। तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जो निकलती है, जो हमारी बॉडी तक पहुंचे, उससे पहले काफी सारे ऐसे पैरामीटर्स है जो उन्हें हमारे तक पहुंचने से वो रोक रही है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी हो रही है, और ये मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी के कारण हमारे हार्ट को जो फंक्शन करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल पा रहा है, और हमारे हार्ट को प्रॉपर प्रोपोर्शन में मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही तो हमारा हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, और हमारा हार्ट दोस्तों प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा ब्लड फ्लो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी का होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं होगा, और दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी नहीं होंगे, और ब्लड सेल्स हेल्दी नहीं होंगे तो हमारा बॉडी हेल्दी नहीं होगा। अब इतनी बात से हमें एक चीज समझ में आती है कि हम नेचर के साथ जुड़े हुए नहीं है तो हमारी बॉडी को दोस्तों मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी, और ये मैग्नेटिज्म की डेफिशिएंसी हम कैसे को फुलफिल कर सकते हैं, तो वो डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए डॉक्टर सागर जोशी जी ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया, और वो देखा सर ने कि आज हर एक व्यक्ति को हेल्दी रहना है तो हर एक व्यक्ति को कोई ऐसी प्रोडक्ट देनी पड़ेगी जो कि रूटीन लाइफ में दोस्तों हर एक व्यक्ति इजीली यूज कर पाए, और वो एक ही काम था दोस्तों, आज दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहे कोई भी प्रोफेशन से है वो हर एक व्यक्ति सोता है, क्या मैं सही हूं, हर एक व्यक्ति सोता है तो हर एक व्यक्ति सोने के लिए बेड का इस्तेमाल करता है, तो सर ने देखा दो अलग अलग साइज में यहां पर मैट्रेस बनाई, एक सिंगल बेड की 3x6 की साइज की और दूसरी डबल बेड की साइज 5.5x6 की साइज अवेलेबल है यहाँ पर, और दो क्वालिटी में अवेलेबल है दोस्तों, रेगुलर क्वालिटी और फॉर्म बेस्ड मटेरियल, दो क्वालिटी में ये प्रोडक्ट बनाया जिसके अंदर मैग्नेट इस्तेमाल किए, नेचुरल जो माइनिंग करके जमीन के अंदर से 600-700 फुट नीचे से माइनिंग करके जो मैग्नेट लाया जाता है, दैट्स कॉल्ड नियोडिमियम बायोमैग्नेट्स। ये नियोडिमियम बायोमैग्नेट्स का इस्तेमाल दोस्तों ये मैट्रेस के अंदर किया गया है, ये सिंगल बेड की जो मैट्रेस है उसके अंदर 90 मैग्नेट्स लगाए जाते हैं, पिलो रहता है उसमें 20 मैग्नेट्स लगाए जाते हैं दोस्तों, ये मैग्नेट का इस्तेमाल किया, और ये मैग्नेट आज हम अपनी रूटीन लाइफ में जैसे हम सोते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है स्लीपिंग इज इक्वल टू हीलिंग, हमारा बॉडी ऑटो हील करता है, वो कब करता है, जब हम लोग सोते हैं, और आज आप देखो लोगों को घर घर स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आने की समस्या, और नींद नहीं आने की समस्या की वजह से आज मल्टीपल प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट हो रहे हैं, तो ये मैट्रेस जो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस यहाँ पर कंपनी ने बनाया है, ये प्रोडक्ट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ सोने से हेल्दी रहा जा सकता है, तो सोने के लिए यहाँ पर बेहतरीन मैट्रेस बनाइए जिसके अंदर मैग्नेट लगे। अब ये मैग्नेट वर्क कैसे करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा बॉडी पूरा ब्लड सेल से बना है, और हमारे ब्लड सेल्स के अंदर दोस्तों हीमोग्लोबिन प्रोटीन रहता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर आयरन कंपोनेंट रहता है, आयरन माने लोहा, तो हमारी बॉडी के अंदर जो आयरन है, जो लोहा है, वो आयरन ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होता है, सो पुल और पुश, ये दो पुल और पुश टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होता है, और ये पुल और पुश के माध्यम से हमारे ब्लड फ्लो को
सर्कुलेट करने में, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है। और दोस्तों हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है हमारी बॉडी का वो प्रॉपर रहता है। और ये प्रॉपर रहने की वजह से दोस्तों आज हमारा साइंस प्रूव कर चुका है कि 90% causes of the disease and disorder due to lack of blood circulation and oxygen level। हमारी बॉडी के अंदर जो 90% बीमारियां, जो 90% प्रॉब्लम हो रही है वो होने के पीछे दोस्तों रीजन एक ही पाया गया है, ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब। जो कि हम मैट्रेस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ब्लड फ्लो रेगुलर होगा और ब्लड फ्लो प्रॉपर होगा जिसके कारण हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों दूसरा वंडरफुल प्रोडक्ट सर ने बनाया बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि हमारी बॉडी का 70-72% हिस्सा पानी का है, लेकिन आज की डेट में जो हम पानी भी पी रहे हैं कहीं ना कहीं वो पानी 15-17 मॉलिक्यूल्स का हैवी वेट का पानी, कठोर पानी हमारी बॉडी के अंदर हम लोग पीते हैं, जिसके कारण वो जो हमारे प्रॉपर ब्लड सेल्स को जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और अनवांटेड वाटर्स हमारी बॉडी के अंदर रहता है। तो आज हम सभी लोगों ने काफी बार महसूस किया होगा कि हम लोग पानी पीते हैं, ज्यादातर पानी पीते हमारी प्यास छिपती नहीं, हमारी प्यास नहीं बुझ रही और अनवांटेड पानी हमारी बॉडी के अंदर रहता है जो कि हमारे डायरेक्ट ब्लड सेल्स तक जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। अब ये पानी की बोतल के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख रहे हो जो बेल्ट, वो बेल्ट के अंदर दोस्तों 40 मैग्नेट लगाए गए नियोडिमियम मैग्नेट्स, और ये मैग्नेटिक बेल्ट को आप पानी की बोतल के ऊपर इस तरीके से रैप करते हो और ये पानी को आप दिन भर यूज करते हो तो ये पानी को मैग्नेटाइज करता है और इसके साथ साथ ये पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके पानी को पतला बनाता है, लाइट वेट का पानी देता है जो कि हमारे बॉडी के डायरेक्ट ब्लड सेल्स तक पहुंचता है और हमारे बॉडी के अंदर पानी के मार्फत से ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करता है। तो ये भी एक वंडरफुल प्रोडक्ट जो कि आज हमारे बॉडी का 70% हिस्सा है। और दूसरा दोस्तों एक कहावत है, पेट साफ तो सब रोग माफ। आज हमारी बॉडी के अंदर सारी समस्या होने के पीछे रीजन क्या है, हमारा पेट। हम जो भी खा रहे वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है और ये पानी अगर हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तीसरा दोस्तों वंडरफुल प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। इसके अंदर दोस्तों 33 नियोडिमियम मैग्नेट्स लगाए जाते हैं और ये मैग्नेट जो है, ये बेल्ट जो बनाया कंपनी ने ब्रेसलेट, ये हम रूटीन लाइफ में 24 आवर्स इसको इजिली यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में हमें पर्टिकुलर जगह पर अगर कहीं हमें पेन हो रहा है वो पेन वाली जगह पर भी आप ये ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हो, आपको काफी हद तक वहां पर पेन रिलीफ होता हुआ भी महसूस होगा। इसके साथ साथ आज जो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए, कहीं ना कहीं आज डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ते हुए हमें काफी सारे रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, वो हार्मफुल रेडिएशन के सामने भी हमें ये प्रोटेक्शन देने में हेल्प करेगा। अब दोस्तों ये प्रोडक्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया कि नियोडिमियम मैग्नेट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये प्रोडक्ट के अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है ये कोई इंडस्ट्रियल ग्रेड का मैग्नेट नहीं है, ये प्योर मेडिकल ग्रेड का मैग्नेट ये प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। और ये मैग्नेट होते हैं जो आप पिक्चर्स में आप लोग देख रहे हो, छोटे से बहुत ही स्मॉल साइज के मैग्नेट होते हैं और ये मैग्नेट को दोस्तों मेजर किया जाता है गॉस मीटर में। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप गॉस मीटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप मैग्नेट के पावर को आप मेजर कर सकते हो। मैग्नेट का पावर जो है ये गॉस मीटर में मेजर किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट के अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा मैग्नेट और कितने गॉस पावर का है। तो ये प्रोडक्ट के अंदर जो मैग्नेट इस्तेमाल किए गए ये 3000 से लेकर के 5000 तक गॉस पावर के मैग्नेट इस्तेमाल किए गए। यहां पर हम लोग ये मल्टीपल डिजीज के जो पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारी बीमारियां होने के पीछे रीजन क्या है, ये सारी बीमारियां होती क्यों है। दोस्तों ये बीमारियां होने के पीछे रीजन एक ही है कि हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी नहीं है और हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी नहीं है तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी। सो यहाँ पर ये प्रोडक्ट का अगर हम इस्तेमाल करते, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट, हमारे हार्ट 24 घंटे हमारा हार्ट काम करता है और हमारे हार्ट को फंक्शन करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत है वो भी 24 घंटे कैसे मिल पाएगा, तो वो 24 घंटे मिल पाए उस तरीके से यहाँ पर सर ने प्रोडक्ट डिजाइन किए कि जैसे कि हम लोग रूटीन लाइफ में सोते हैं तो सोने के दरमियान हम मैग्नेटिक मैट्रेस का इस्तेमाल करते हैं तो उसके मार्फत हम हमारी बॉडी को मैग्नेटिज्म जो मिलना चाहिए वो प्रॉपर मिलेगा नींद में। इसके साथ साथ हम दिन भर पानी पीते हैं तो वाटर एनर्जी पेड का इस्तेमाल करके हम हमारे बॉडी के जो 70% हिस्सा है उसे भी हम प्योर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दिन भर हम बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट का इस्तेमाल करेंगे तो
हमारी बॉडी का जो डेफिशिएंसी है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारी जो बीमारियां है वो बीमारियों को दोस्तों रिवर्स करने में हेल्प करेगी, और अगर हम ये प्रोडक्ट को आज से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम में से किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए उसके बाद हम ऐसी कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें। सो एक महान व्यक्ति ने कहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम सभी लोग चाहेंगे आज से हेल्दी रहना, और हेल्दी रहने के लिए अगर आज से ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करना शुरू करेंगे तो हम अपने और अपने परिवार को हेल्दी बनाए रखने में काफी हद तक हेल्प करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्रोडक्ट हमें हेल्प कर सकता है, अब ये प्रोडक्ट आप कैसे परचेस कर सकते हो, तो ये प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए यहाँ पर कंपनी ने अलग अलग हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन कंपनी ने हमें दिया हुआ है जिसके अंदर कंपनी हमें दो प्रोडक्ट का सेट दे रही है, 2 6x3 की साइज के अलग अलग मैट्रेस मिलेंगे सिंगल बेड के, 2 पिलो दिए जाएंगे, 2 वाटर एनर्जी पैड और 2 ब्रेसलेट। और दोस्तों इसके साथ साथ मजे की बात की हमें बिजनेस करने का मौका कंपनी की ओर से फ्री में मिल रहा है, तो आपको एक 10 अंक का बिजनेस आईडी भी दिया जाएगा जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका बिजनेस खुद का डेवलप कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज के अंदर बिना पैसे लगाए हमें यहाँ पर बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट अपने हेल्थ के लिए परचेस करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट बिजनेस जो मिलेगा वो फ्री में मिल रहा है। और ये 2 प्रोडक्ट का सेट जो कि रेगुलर क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा इसमें, जिसकी तकरीबन मार्केट वैल्यू कॉस्ट 40,000 रुपया है, ये 40,000 रुपए की कॉस्टिंग की प्रोडक्ट आपको सिर्फ दी जा रही है कंपनी की ओर से 11,000 रुपए में। और इसके साथ साथ कंपनी ने जो प्रीमियम क्वालिटी का जो मटेरियल बनाया है और प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट भी लॉन्च की है, यदि आप वो प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हो तो उसमें 2 प्रीमियम क्वालिटी के फॉर्म बेस वाले मटेरियल के प्रोडक्ट 6x3 की 2 मैट्रेस आएगी, 2 पिलो रहेंगे वो प्रीमियम क्वालिटी के, वाटर एनर्जी पैड और ब्रेसलेट दोनों सेम रहेंगे। ये प्रीमियम क्वालिटी का आप 2 प्रोडक्ट का सेट परचेस करते हो जिसकी कॉस्ट है 15,200 रुपया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास सिंगल सेट का, जिसमें कंपनी की ओर से हमें 6x3 की मैट्रेस, 1 पिलो, 1 वाटर एनर्जी पैड और 1 ब्रेसलेट। ये रेगुलर क्वालिटी का कॉटन बेस्ड मटेरियल का प्रोडक्ट रहेगा जिसकी 20,000 रुपए की मार्केट वैल्यू की प्रोडक्ट आपको सिर्फ दी जा रही है कंपनी की ओर से 6,800 रुपए में। यदि ये हम प्रीमियम क्वालिटी का फॉर्म बेस्ड मटेरियल में परचेस करना चाहेंगे तो जिसमें 6x3 का मैट्रेस रहेगा प्रीमियम क्वालिटी का और 1 पिलो रहेगा प्रीमियम क्वालिटी का, बेड दोनों सेम रहेंगे, उसका कॉस्टिंग रहेगा सिंगल सेट का 8,900 रुपया। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर जिसके अंदर हमें 2 प्रोडक्ट मिलती है, 1 वाटर एनर्जी पैड और 1 ब्रेसलेट। और दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट मिलेगी जिसकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट 9,500 रुपया है, जो कि हमें मात्र 3,800 रुपए में कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। ये तीनों ही प्रोडक्ट अलग अलग रेंज में कंपनी ने दिए हुए हमें अलग अलग पैकेजेस के स्वरूप में। पहला कॉम्बो पैक है उसका पॉइंट दिया है 100 पॉइंट, सिंगल जो सेट है उसका पॉइंट है 50 पॉइंट, और ये 2 प्रोडक्ट वाला जो लास्ट पैकेज है जिसका पॉइंट वैल्यू है 25। क्योंकि यहाँ पूरा जो बिजनेस है वो पूरा बिजनेस कैलकुलेट किया गया है पॉइंट वैल्यू के अंदर, और पॉइंट वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेशन है, 1 PV मैचिंग का कंपनी यहाँ पर हमें 10 रुपया कमीशन दे रही है। आइए समझते हैं हम डिप में। तो यहाँ पर आप अपने चॉइसेबल प्रोडक्ट के साथ में आप जा सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसमें से प्रोडक्ट आप परचेस कर सकते हो। और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर प्रोडक्ट परचेस करते हो, मैंने बताया कि आपको यहाँ पर कंपनी की ओर से बिजनेस आईडी दिया जाएगा 10 अंक का, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर काफी सारी अर्निंग भी अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आप कोई भी पैकेज सिलेक्ट करते हो, आपको आईडी दिया जाएगा और आपको बहुत सारी इनकम लेने के लिए यहाँ पर आपको मौका दिया जा रहा है। अब वो इनकम हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट टाइम ये एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड जो कंपनी का है उसे हमें 1 टाइम अचीव करना है। अब एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड क्या है, तो कंपनी कहती है कि आप तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट अपने हेल्थ के लिए परचेस करते हो और वो प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करते हो, और इस्तेमाल करने के बाद हमें यहाँ पर सिर्फ 2 काम करना है, एक प्रोडक्ट को यूज करना है और वही प्रोडक्ट जो यूज किया और जो बेनिफिट हमने पाए वही लोगों तक हमें शेयर करना है। मतलब कि यूज एंड शेयर, प्रोडक्ट को यूज करना है और लोगों तक शेयर करना है। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन राउंड कंपनी हमें कह रही है 150 PV, यहां पर हमें 2 ग्रुप में काम करना है, एक लेफ्ट टीम और एक राइट टीम, 2 ग्रुप बनाने हमें, एक लेफ्ट और एक राइट, और दोनों ही ग्रुप के मिला के हमें 150 PV करने हैं एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने के लिए। यहां पर 2 एग्जांपल्स आपको बताए गए, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल्स कि आप प्रोडक्ट परचेस करते हो अपने लिए कोई भी, इसके बाद आप अपने लेफ्ट ग्रुप में किसी ए पर्सन को 100 PV वाला प्रोडक्ट दे रहे हो,
पीवी वाला प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहे हो, तो दोनों ही तरफ आपका 100 पीवी का बिजनेस हुआ आपके ग्रुप में, तो कुल मिला के आपका लेफ्ट और राइट का मिला के काम हुआ 200 पीवी का। यहाँ पर रिक्वायर्ड था हमारा एलिजिबिलिटी 150, तो आपने यहाँ पर 200 पीवी का काम किया है, तो आपके एक तरफ 50 पीवी जो है वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे और आपको एलिजिबिलिटी बोनस के तौर पे दिया जाएगा 500 रुपया। दूसरा एग्जाम्पल जिसमें बताया गया कि आप अपने लेफ्ट में मान लो किसी एक व्यक्ति ने 50 पीवी वाला सिंगल सेट परचेस किया और राइट में किसी व्यक्ति ने 50 पीवी वाला सिंगल सेट उन्होंने भी परचेस किया, तो ये सिचुएशन में हमारा दोनों ही तरफ 50-50 पीवी का बिजनेस हुआ। अभी कोई तीसरा व्यक्ति हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व होता है 50 पीवी का प्रोडक्ट परचेस करके, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो ये सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे लेफ्ट साइड 50-50 100 पीवी हो गए और राइट साइड 50, मतलब कि एक साइड 100 एक साइड 50, तो 150 पीवी हमारे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर हालांकि हमारा कैरी फॉरवर्ड कुछ बचता नहीं है और आप एलिजिबल होते हो और आपको एलिजिबिलिटी बोनस दिया जा रहा है 500 रुपीज। ये हमें वन टाइम एक बार हमें ये एलिजिबिलिटी राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे ही आप एलिजिबिलिटी राउंड को दोस्तों कंप्लीट करते हो, आपको आगे इनकम लेने का मौका मिल रहा है और वो इनकम है डेली अवेयरनेस बोनस। डेली अवेयरनेस बोनस दोस्तों, डेली अवेयरनेस बोनस इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पर कंपनी हमें जो भी काम हमारे ग्रुप में होता है उसका कमीशन हमें डेली दिया जाता है कंपनी की ओर से, और एवरी 12 आवर्स क्लोजिंग साइकिल। जैसे कि हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो 24 घंटे को दोस्तों 12-12 घंटे में डिवाइड किया हुआ है, मतलब कि दोपहर के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक और रात के 12 बजे से लेकर के दूसरे दिन दोपहर के 12 बजे तक, ये 12-12 घंटे में पूरे दिन को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मतलब कि आप एलिजिबल होते हो और एलिजिबल होने के बाद, यहां पर एग्जांपल्स आपको बताऊं कि आप एलिजिबल होते हो और आपके एलिजिबिलिटी होने के बाद आपके लेफ्ट टीम में कोई भी व्यक्ति 25 पीवी वाला प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था कि 3,800 रुपए में दो बेल्ट मिलते हमें, एक वाटर एनर्जी पेड और एक ब्रेसलेट। यदि ये कोई पैकेज परचेस करता है हमारे लेफ्ट टीम में तो उसके पॉइंट वैल्यू रहेंगे 25 पीवी। तो 25 पीवी वाला पैकेज हमारे लेफ्ट टीम में कोई परचेस करता है और वही राइट टीम में भी हमारा कोई 25 पीवी वाला प्रोडक्ट परचेस करता है, तो ये सिचुएशन में क्या होगा, हमारे लेफ्ट में 25 पीवी और राइट में 25 पीवी का बिजनेस हुआ। तो मैंने बताया था कि 1 पीवी मैचिंग इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो यहां पर हालांकि हमारा 25 पीवी का मैचिंग हो रहा है लेफ्ट राइट का, तो 25 × 10 करेंगे तो 250 रुपीज जो बनेगा वो बनेगा हमारा अवेयरनेस बोनस का इनकम। इसी तरह यदि 50 पीवी का प्रोडक्ट हमारे लेफ्ट साइड में परचेस होता है और हमारे राइट टीम में भी 50 पीवी का प्रोडक्ट परचेस होता है, तो मैचिंग होता है हमारा 50 पीवी का, 1 पीवी मैचिंग इज इक्वल टू 10 रुपीज, तो 50 × 10 करेंगे तो 500 रुपीज बनेगा हमारा अवेयरनेस बोनस। और उसी तरीके से यदि 100 पीवी वाला प्रोडक्ट हमारी लेफ्ट टीम में और 100 पीवी वाला प्रोडक्ट हमारी राइट टीम में परचेस होता है, तो 100 पीवी का मैचिंग हो रहा है और 100 पीवी के मैचिंग के अकॉर्डिंग 100 × 10 करेंगे तो 1,000 रुपीज जो बनेगा वो बनेगा हमारा अवेयरनेस बोनस। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि 12 घंटे का क्लोजिंग साइकिल है, तो 12 घंटे में हम मैक्सिमम कितना इनकम ले सकते हैं? तो 12 घंटे में दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट जो रखा है वो है 1,000 पीवी, मतलब कि 1,000 पीवी आपके लेफ्ट में, 1,000 पीवी आपके राइट में बिजनेस होता है, तो 1,000 पीवी का आपका मैचिंग होता है और 1,000 पीवी के मैचिंग के अकॉर्डिंग 1,000 × 10 करेंगे तो 10,000 रुपीज बनेगा हमारा अवेयरनेस बोनस। तो 12 घंटे में दोस्तों हम मैक्सिमम 1,000 पीवी की इनकम ले सकते हैं। यदि मान लो कि आपके एक ग्रुप में 1,200 पीवी का बिजनेस हो रहा है और दूसरे ग्रुप में 1,500 पीवी का बिजनेस हो रहा है, तो मैचिंग 1,200 का हो रहा है, तो 1,200 का हमें इनकम नहीं मिलेगा दोस्तों, हमें इनकम मिलेगा सिर्फ 1,000 पीवी का 12 घंटे में। तो उसी तरीके से हम सेम एक क्लोजिंग साइकिल 12 घंटे की, उसमें 1,000 पीवी का करके 10,000 अवेयरनेस कर सकते हैं। वहीं दूसरे 12 घंटे में भी यदि हमारे लेफ्ट और राइट टीम का मिला के 1,000 पीवी का बिजनेस हो रहा है, 1,000 पीवी लेफ्ट 1,000 पीवी राइट, अगेन हमें 10,000 रुपया मिलेगा अवेयरनेस बोनस का, तो एक दिन का हम 20,000 रुपया सिर्फ अवेयरनेस बोनस की इनकम कर सकते हैं। अब वही दूसरा इनकम है दोस्तों डेली फैमिली बोनस। डेली फैमिली बोनस के लिए हमें ध्यान में एक रखना है कि हमारे लेफ्ट टीम और राइट टीम में जो भी बिजनेस होता है वो सेम 12 आवर्स के बीच में, सेम क्लोजिंग साइकिल के बीच में होना चाहिए और वो फ्रेश बिजनेस होना चाहिए। मतलब कि आपके लेफ्ट टीम में 25 पीवी वाला प्रोडक्ट परचेस हुआ और राइट टीम में भी 25 पीवी वाला प्रोडक्ट परचेस हुआ, यदि ये दोनों ही प्रोडक्ट
25-25 पीस वाले सेम हमारे 12 आवर्स के क्लोजिंग साइकिल में होंगे और दोनों ही प्रोडक्ट फ्रेश परचेज हुए होंगे, मतलब कि एक तरफ मान लो कि आज एक साइकिल में 25 पीवी का आज परचेस हुआ ये क्लोजिंग साइकिल में और दूसरे साइड परचेस होगा दूसरी क्लोजिंग साइकिल में, तो दोनों डिफरेंट साइकिल हो जाएगी। तो ये टाइम पे हमें फैमिली बोनस की इनकम नहीं मिलेगी। फैमिली बोनस की इनकम लेने के लिए हमारे लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ सेम 12 आवर्स के बीच में फ्रेश बिजनेस होना चाहिए। तो यहां पर मैं एग्जांपल आपको बताऊं कि 25 पीवी लेफ्ट और 25 पीवी राइट हमारे ग्रुप में हो रहा है सेम 12 आवर्स में, तो ये सिचुएशन में हमें कंपनी की ओर से 250 रुपीज अवेयरनेस बोनस का तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ एडिशनल हमें 1250 रुपया एज अ फैमिली बोनस कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। दूसरा, यदि 50 पीवी वाला प्रोडक्ट हमारे लेफ्ट में और 50 पीवी वाला प्रोडक्ट हमारी राइट साइड परचेस होता है सेम 12 आवर्स की क्लोजिंग साइकिल में, तो हमें 50 पीवी के अकॉर्डिंग 500 रुपया अवेयरनेस बोनस मिलेगा और इसके साथ साथ 2500 रुपया 2500 रुपया हमें मिलेगा फैमिली बोनस का। और वहीं अगर 100 पीवी का बिजनेस लेफ्ट और 100 पीवी का बिजनेस राइट सेम 12 आवर्स की क्लोजिंग साइकिल में आता है तो 1000 रुपया हमें मिलेगा अवेयरनेस बोनस का और वहीं 5000 रुपया दोस्तों मिलेगा हमें फैमिली बोनस का। मतलब कि यहां पर आप लोग देखो कि जो अवेयरनेस बोनस मिलता है यदि हम सेम 12 आवर्स में पैर मैच करते तो उससे 5 गुना हमें फैमिली बोनस मिलता है। जैसे कि वहां 250 मिल रहा था 25 पीवी की पैर के ऊपर तो उसका 5 गुना हमें 1250 रुपया मिल रहा है। यदि 50 पीवी वाला पैर मैच हो रहा है तो 500 रुपया अवेयरनेस बोनस और 5 गुना 2500 रुपया फैमिली बोनस, और 100 पीवी वाला मैच हो रहा है तो 1000 रुपया अवेयरनेस बोनस और उसका 5 गुना 5000 रुपया दोस्तों फैमिली बोनस। अब यहां पर फैमिली बोनस की कैपिंग कंपनी ने लगाई है कि आप 12 घंटे में मिनिमम 1250 और मैक्सिमम आप 5000 तक फैमिली बोनस ले सकते हो। मतलब कि यदि सेम क्लोजिंग साइकिल में मान लो कि 100 पीवी हो रहा है पहला पैर तो उसके ऊपर 5000 मिलेगा, यदि वही क्लोजिंग साइकिल में दूसरा 100 पीवी का पैर बन रहा है तो उसके ऊपर हमें दूसरी बार 5000 नहीं देगी कंपनी, दूसरी बार 5000 लेने के लिए हमें दूसरी क्लोजिंग साइकिल तक वेट करना पड़ेगा और दूसरे क्लोजिंग साइकिल में जैसे ही हमारा पहला 100 पीवी का पैर बनेगा उसके ऊपर हमें 5000 रुपया दिए जाएंगे। मतलब कि 12 घंटे की एक क्लोजिंग साइकिल में हमें मैक्सिमम 5000 रुपया फैमिली बोनस लेने का मौका मिल रहा है। वहीं दूसरे 12 घंटे में भी यदि 100 पीवी वाला एक पैर मैच कर लिया हमने फ्रेश पैर तो वही दूसरी बार 5000 मतलब कि एक दिन का 10000 रुपया हम फैमिली बोनस की इनकम कर सकते हैं। तीसरा इनकम है दोस्तों डेली परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों परफॉर्मेंस बोनस के अंदर कंपनी कहती है कि आपकी लेफ्ट टीम और आपकी राइट टीम, इसमें भी सेम फैमिली बोनस के लिए जो क्राइटेरिया है कि आपके दोनों ही तरफ सेम 12 आवर्स में और फ्रेश पेयर होना चाहिए। मतलब कंपनी कहती है कि आपकी लेफ्ट टीम में 5 प्रोडक्ट कोई भी परचेस होते हैं 3800 वाला 6800 8900 11000 या 15200, आपके कोई भी 5 प्रोडक्ट आपकी लेफ्ट टीम में और कोई भी 5 प्रोडक्ट आपकी राइट टीम में परचेस होते हैं सेम 12 आवर्स में तो आपको एडिशनली कंपनी की तरफ से दिया जाएगा परफॉर्मेंस बोनस और वो मिलेगा हमें 3000 रुपया। यदि दूसरी क्लोजिंग साइकिल में मतलब दूसरे 12 घंटे में अगेन अगर हमें 5 पैर लेफ्ट और 5 पैर राइट हमारे हो रहे अगेन हमें 3000 रुपया मिलेगा, मतलब एक दिन का हम 6000 रुपया परफॉर्मेंस बोनस की इनकम ले सकते हैं। रिपीट करूंगा यहां पर दोस्तों एक बार ताकि आपको समझ में आए। यहां पर कंपनी हमें मैक्सिमम 1000 पीवी लेफ्ट और 1000 पीवी राइट पर हमें अवेयरनेस बोनस दे रही है मैक्सिमम 12 घंटे का, तो हम लोग मान के चलते हैं कि यदि हमारे 12 घंटे में लेफ्ट टीम में 1000 पीवी और राइट टीम में 1000 पीवी होता है तो मैक्सिमम हमारा इनकम कितना होगा 12 घंटे का वो हम काउंट करते हैं तो 1000 पीवी काम होने पर 10000 हमें मिलेगा अवेयरनेस बोनस। और दोस्तों 1000 पीवी लेफ्ट राइट हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हमारा 100 पीवी वाला पेयर मैच हुआ है तो हमें 5000 मिलेगा फैमिली बोनस, मतलब 10000 प्लस 5000 15000। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको परफॉर्मेंस के लिए बताया था कि 5 आपके कोई भी लेफ्ट और 5 आपके कोई भी राइट में होते तो आपको अलग से 3000 मिलेंगे। अभी 1000 पीवी लेफ्ट और 1000 पीवी राइट हुआ है तो बट ऑब्वियस है कि 100 पीवी वाले 10 प्रोडक्ट लेफ्ट और 100 पीवी वाले 10 प्रोडक्ट राइट हुए होंगे तभी 1000 पीवी हुए होंगे तो हमें 3000 मिलेंगे परफॉर्मेंस बोनस के। तो 10000 अवेयरनेस बोनस, 5000 फैमिली बोनस और 3000 परफॉर्मेंस बोनस, कुल मिला के हमें मिलेगा 18000 रुपया 12 घंटे की क्लोजिंग साइकिल में। अब यही काम हमारा दूसरी 12 घंटे की क्लोजिंग साइकिल में भी 1000 पीवी लेफ्ट और 1000 पीवी राइट हुआ तो 18000 रुपया दूसरी क्लोजिंग साइकिल में भी, मतलब कि एक दिन का हम 36000 रुपया सिंगल कोड के ऊपर सिंगल आईडी के ऊपर हम लोग ले सकते हैं। अभी मान लो हमें बिजनेस मॉड्यूल समझ में आता है और ये पावर ऑफ 3 के स्ट्रक्चर में आते हैं, हम यू
ए और बी ये तीनों ही कोड यदि हमारे रहते और ए और बी के नीचे काम करते हैं दोस्तों, एक आईडी पे 36,000 ले सकते हैं। यदि आप चाहो एक दिन का 1,00,000 रुपया कमाना तो भी आप यहाँ पर तीन कोड के साथ यदि आप काम करते हो तो आप 1,00,000 रुपया दिन का यहाँ पर आराम से कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये सिस्टम से काम करते हैं और इस तरीके की इनकम जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी बखूबी लोग ले रहे हैं। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट के बारे में और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि हमें फ्री में मिल रही है, यदि आपके जहन में आया है और आपको लगता है और आपके दिल के अंदर से आवाज आती है कि नहीं वाकई में ये प्रोडक्ट यूज करने से मैं और अपने परिवार को हेल्दी रख सकता हूं और ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हमारे ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, तो दोस्तों आज आपको जिस किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर इन्वाइट किया है वो वाकई में शुभचिंतक है। वो चाहता है कि आप अपने परिवार के साथ हेल्दी रहो और इसके साथ साथ आपको फ्री में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तो आप अपनी वेल्थ भी क्रिएट करो। तो आपको उनको थैंक्स बोल के आपके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में होता है, प्रोडक्ट आप जो भी परचेस करोगे उसके लिए आपको सिर्फ पेमेंट करना है। तो आप प्रोडक्ट अपने लिए परचेस कीजिए और आपके नियर एंड डियर जिसने भी आपको यहाँ पर इन्वाइट किया उनको आपके डॉक्यूमेंट भेज के आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। और आप भी जिन लोगों को चाहते हो कि आप उनको भी हेल्दी बना सकते हो और उन लोगों की लाइफ में भी चेंज लाना चाहते हो तो आप ऐसे लोगों का लिस्ट बनाइए और ऐसी ट्रेनिंग मीटिंग में दोस्तों आप उनको बुलाइए ताकि उन लोगों तक भी आप ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी शेयर कर पाओ और उनको भी आप अच्छा नॉलेज दे पाओ। ऐसे लोगों को आप यहाँ पर बुलाओ क्योंकि आपके साथ यहाँ पर ई बायोट्रोन सपोर्ट सिस्टम खड़ा हुआ है जो कि पल पल हम सभी लोगों को एजुकेट कर रहा है और यहाँ पर ये सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बखूबी नॉलेज दिया जाता है दोस्तों। तो दिन में 3:55 रात में 8:55 आप जो भी सुटेबल टाइम है वहां पर आपके गेस्ट को बुलाइए और मैक्सिमम तादाद में लोगों को बुलाइए क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों। क्योंकि आज की डेट में हमें पता चला है कि यदि हमारे बिजनेस को अगर आगे लेके जाना है तो हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा क्योंकि लॉकडाउन के बाद दोस्तों हर एक बिजनेस का अगर मैं बताऊं सिस्टम बदल चुका है। आज से पहले दोस्तों ये इंडस्ट्रीज के अंदर लोग काम कर रहे थे लेकिन ये सिस्टम नहीं था जिसके बदौलत हम इतना डेवलप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद दोस्तों ये जूम एप्लीकेशन हम थैंक्स कहना चाहेंगे एक बार जूम को। आज तकरीबन 124 लोग ऑल ओवर इंडिया से हमें सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्ट हमें कराया है ये मॉड्यूल को, तो हम थैंक्स कहना चाहेंगे ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म को जिसको जिन्होंने हमें ये पूरा सिस्टम दिया जिसके मार्फत से हम इतने लोगों को रूबरू हो पा रहे और लोगों को नॉलेज दे पा रहे। तो इसी के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को यहाँ पर समाप्त करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बेक होस्ट को जो आए